हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 8 के एडगेट अभ्यास पुस्तक के सामाजिक विज्ञान के अध्याय 5 को। इस अध्याय का नाम है बच्चों, जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद। तो इस अध्याय का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, सिपाही से सूबेदार तक पुस्तक के लेखक थे। तो ये थे सीताराम पांडे। प्रश्न क्रमांक 2 है, अवंती बाई लोधी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इनका संबंध था बच्चों राजगढ़ मंडला से। प्रश्न क्रमांक 3 है, तात्या टोपे किस राज्य के सेनापति थे? तो ये कानपुर के सेनापति थे। प्रश्न क्रमांक 4 है, खुर्दा राज्य स्थित था? तो ये राज्य बच्चों उड़ीसा के दक्षिण पूर्व में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 5 है, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष के क्या कारण थे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष में वे अपने भत्तों और सेवा शर्तों से परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। तो बच्चों ये धार्मिक लिखा है, आप इसे सही कर लीजिएगा, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। प्रश्न क्रमांक 6 है, मंगल पांडे को फांसी कब और किस आरोप में दी गई थी? तो इसका उत्तर है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दी गई थी। प्रश्न क्रमांक 7 है, अंग्रेजों द्वारा किए गए सुधारों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा? तो पहला सुधार था सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को समर्थन दिया। दूसरा है अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। तीसरा है 1850 में नया कानून बनाया जिससे ईसाई धर्म अपनाना सरल हो गया। प्रश्न क्रमांक 8 है, अवध रियासत को कब और क्या आरोप लगाकर ब्रिटिश शासन में शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर है, अवध की रियासत को 1856 में अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। जनरल डलहौजी ने कहा, रियासत का शासन ठीक नहीं चल रहा, ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। प्रश्न क्रमांक 9 है, इंडिया काउंसलिंग किसे कहा गया है? तो इसका उत्तर है, ब्रिटिश परिमंडल में एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडियन काउंसलिंग कहा गया। प्रश्न क्रमांक 10 है, उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के मुख्य केंद्र कौन कौन से थे? तो बच्चों उत्तर भारत में 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र मेरठ, दिल्ली, बरेली, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद और झांसी थे। प्रश्न क्रमांक 11 है, किन परेशानियों के कारण किसान 1857 के विद्रोह में शामिल हुए? तो इसका उत्तर है, गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया गया कर्जा नहीं लौटा पा रहे थे। इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीन हाथ से निकलती जा रही थी, इसीलिए किसान विद्रोह में शामिल हुए। प्रश्न क्रमांक 12 है, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने वर्मा जाने से क्यों मना किया? तो इसका उत्तर है, उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज नहीं था। प्रश्न क्रमांक 13 है बच्चों, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अपनी नीतियों में क्या बदलाव किए, लिखिए। तो इसका उत्तर बच्चों आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। अब चलते हैं बच्चों अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14 है, नीचे दिए गए रेखा मानचित्र में 1857 के विद्रोह से संबंधित निम्नलिखित स्थानों को दर्शाया गया है। तो इसे बच्चों, इसके नीचे एक मानचित्र दिया है खाली, उस पर हमें तो जैसे कि मैंने इस मानचित्र में इन स्थानों को दर्शा दिया है, आप भी इसी तरीके से उन स्थानों को यहाँ पर दर्शा दीजिएगा बच्चों। इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।